नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। किसान भाइयों, आज हमारा विषय रहेगा पशुओं का पाचुरेशन का समय चल रहा है अभी गाय और भैंसों का, तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, आज हमारी मेन बात रहेगी कि अपने पशु का कैसे पता चले हमें कि वो ब्याने वाला है, यानी कि जिसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया उसकी पहचान कैसे होगी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गाँव और गलियों में आपको पता चलता रहता है इस चीज से कि हमें समय का पता होता है। अगर जो पशु हमारे फार्म का है, हमारे घर का है, उसका हमें समय का पता होता है। मान लो कोई पशु हम खरीद के लेके आए हैं कहीं से और वहां हमें थोड़ा सा मिसगाइड हो जाए कि टाइम का ऊपर नीचे का थोड़ा सा हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाए पशु के शरीर को देख के कि हमारा पशु ब्याने वाला है और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी चर्चाओं के बाद बात करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि पशु के शरीर को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि उसका डिलीवरी का टाइम नजदीक है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी पशु ब्याने वाला होता है थनों के अंदर दाल ले आता है, कहने का अगर हम उसकी बात करें देसी भाषा में तो उसके लेवे का साइज, उसकी लेवटी का साइज या उसकी गद्दी का साइज इंक्रीज हो जाता है, थनों के अंदर दूध आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे दोस्तों तो जो पुट्ठों वाला हिस्सा होता है ऊपर से हिप्स की पास की जगह है जो, वहां से खड़े पड़ जाते हैं दोस्तों। वो देसी भाषा में बोल देते हैं कि पशु के पुट्ठे टूट गए, कहने का मतलब अब इस टाइम पे ये एक या दो दिन के अंदर अंदर ब्याने वाला है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं दोस्तों जो पशु के शरीर को देख के पता चल जाता है। अब उसके लक्षण कैसे होते हैं उस टाइम पे दोस्तों, बार बार पशु बैठना उठना शुरू कर देता है, बार बार रुक रुक के पेशाब करना शुरू कर देता है, पशु डिलीवरी का टाइम जैसे नजदीक आ जाता है, बलवा वाला हिस्सा होता है जो उसका वो थोड़ा सा लूज हो जाता है दोस्तों। ये सभी बातें हैं छोटी छोटी जिनसे हमें पता लग जाता है कि अभी पशु का ब्याने का समय नजदीक। अब सावधानी हमें क्या बरतनी है दोस्तों कि जैसे ही पशु के अंदर से वाटर बैग आया, आपने देखा होगा कि मटिंडी बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, आमतौर पर पशु के अंदर चार मटिंडी आती है, पहली आएगी उसके बाद दूसरी आएगी, दूसरी आएगी वो ट्रांसपेरेंट होगी दोस्तों, पहली और दूसरी के बीच में 10 से लेके 10 मिनट से लेके और 5 घंटे तक का टाइम लग जाता है। उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों कि हम जल्दबाजी करें ऐसा कुछ करें। दूसरी ट्रांसपेरेंट आएगी दोस्तों, उसके अंदर से हमें पशु के लवारे के खुर वगैरह दिखाई देंगे आगे कहीं से, ये हो सकता है कि अगले खुर हो सकते हैं, हो सकता है पीछे वाले खुर हो सकते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, जल्दबाजी हो जाती है किसान भाइयों को उस टाइम पे, वो क्या करते हैं उसको रैप्चर अपने हाथ से कर देते हैं और खुरों को पकड़ के खींच देते हैं। कई बार कंडीशन में आपने देखा होगा कि जैसे ही खुर को पकड़ते हैं खुर वापिस लेके चला जाता है लवारा अंदर, वो जाके अंदर उसको या तो मोड़ लेगा या उसको वो बर्थ कनाल में ऐसे फंस जाएगा दोस्तों। जो डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी हमने उसको डिस्टोकिया में ट्रांसफर कर दिया अपनी जल्दबाजी के चक्कर। अब क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा खुर वगैरह के ऊपर जैसे पकड़ के हम उसको नीचे की तरफ खींचते हैं लेवटी की तरफ, तो उसके ऊपर लुब्रिकेंट टाइप में लगा होता है दोस्तों, चिकना पदार्थ होता है जो बच्चे के अंदर से ही आता है। अब कई भाई क्या करते हैं जो ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, वो नीचे से मिट्टी के हाथ भरेंगे, मिट्टी को ऐसे करेंगे और फिर उस खुर को पकड़ेंगे दोस्तों। अब बाई चांस अगर वो खुर अंदर चला जाता है तो जो गर्भाशय बिल्कुल सुरक्षित था उसके अंदर हमने संक्रमण को भेज दिया दोस्तों। नीचे मिट्टी के अंदर सैकड़ों टाइप के बैक्टीरिया होते हैं अवेलेबल, वो क्या है कि यूट्रस में एंट्री कर गए जो आगे चल के पशु में पायोमेट्रा का मेट्राइटिस का रूप लेंगे दोस्तों। तो ऐसी सावधानियां छोटी छोटी हमें करनी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मिट्टी के हाथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाय चांस कई बार क्या होता है कि हिफर के अंदर बर्थ कैनाल का साइज छोटा रह जाता है और बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है, उस टाइम पे प्रसव कठिन हो जाता है दोस्तों। उस कंडीशन में हमें बच्चे को सहारा देना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम मिट्टी के हाथ लगा के उसको खींचा, अगर बाय चांस ऐसी दिक्कत आ भी गई कहीं खींचने वाली तो उस कंडीशन में हम सूती कपड़े की रस्सी ले सकते हैं दोस्तों, कोई कपड़ा ले सकते हैं सूती जो उसके ऊपर लगा देंगे ताकि हाथ भी हमारा स्लिप नहीं करेगा और उसको भी उससे नुकसान नहीं होगा। अब कई भाई क्या करते हैं दोस्तों, रस्सी को भी बांधने का तरीका होता है, उस रस्सी को यहाँ मान लो आगे का जो खुर का हिस्सा है उसमें यहाँ बांध के खींचना होता है, मुंह में बांधनी होती है तो उसको यहाँ से लेके बांध देते हैं। अब कई भाई क्या करते हैं जबाड़े के अंदर रस्सी को बांध देते हैं, जैसे ही जोर लगाएंगे वो उस टाइम पे नाजुक हिस्सा होता है वो बाहर भी आ जाता है। जो बच्चा जो लवारा सुरक्षित था या तो हमने उसको मार दिया गलत तरीके से या हमने उसको जख्मी कर दिया। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर भी अगर मान लो आपको टाइम ज्यादा लग गया, भैंस ने ज्यादा उठना बैठना शुरू कर दिया, पेन उसने देखना, बार बार अपनी नजर घुमा के पीछे की तरफ देखना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में हमें इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ प्रसव के अंदर परेशानी है दोस्तों। उस टाइम पे हम अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं या लोकल पैरावेट्स की सहायता ले सकते हैं दोस्तों। ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग जैसे ही पशु ब्या गया 2 घंटे तक का भी इंतजार नहीं करते जेल के लिए। जो प्लेजेंटा होता है बच्चे के साथ जो चिपका हुआ आता है उसका 2 घंटे तक भी इंतजार नहीं करते कि वो डाल दे। एक्चुअली में अगर 24 घंटे तक का भी टाइम लग जाता है, 48 आवर्स तक का भी टाइम लग जाता है तो भी कोई समस्या नहीं होती दोस्तों। लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में उसको दवाइयां देनी, दवाई पे देनी शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान होता है मेरे भाइयों। अभी हमें करना क्या है इस कंडीशन में आपको बताऊं मैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पशु कमजोर है, शरीर में कमजोर है और परसों भी उसका कठिन हुआ है, डिस्टोक किया था, डॉक्टर ने बच्चे को निकालना पड़ा, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जैसे ही पशु तुरंत ब्या गया उसके ब्याने के बाद उसे गुड़ और मेथी की गर्म करके आवटी देनी है दोस्तों। आवटी बनाने का आपको यूट्यूब के ऊपर तरीका मिल जाएगा, आवटी बनाए और आवटी उसको दे। वो क्या करेगी दोस्तों, उसको गर्मी पैदा करेगी उसके शरीर के अंदर। अभी क्या होता है कि लवारा जैसे ही है, लवारे को आप दूध पीने के लिए जो घीस पिलाते हैं उसको पहला, लोगों की भ्रांति ये होती है कि जब तक पशु जेल नहीं डालेगा जब तक हम उसको दूध नहीं पिलाएंगे, और उसी कंडीशन में वो जल्दबाजी करते हैं कि बच्चे ने दूध नहीं पिया है, हमने दूध नहीं निकाला है, अब तक जेल जल्दी गिर जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आप 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर उसको दूध पिला दें। जैसे ही लवारा दूध पिएगा तो उसके अंदर ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जनरेट होगा गाय या भैंस के अंदर। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन के ऊपर भी हमने पीछे वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं दोस्तों। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये बेबी हार्मोन होता है। जैसे ही बच्चा जब वहाँ लेवे में जाके अपना मुंह लगाएगा तो ऑटोमेटिक एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको बेबी हार्मोन बोलते हैं। आप इसके बारे में वीडियो बनाया है हमने, आप उसको देख सकते हैं, आपको बड़ी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। वहाँ से जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, अगर फिर भी किसी कारणवश जेल रह जाती है तो उसको, ये आपको साइड स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट, एक डाबर कंपनी का प्रोडक्ट आता है एग्जामा, आप उसको देख सकते हैं। एक हम बात करें तो यूट्रोनॉर्म के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, बाकी मार्केट में और भी अवेलेबल है। बस इस जो प्रोडक्ट को देना है दोस्तों, इसमें हमें ध्यान रखना है ये प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट ही होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्रोडक्ट हम इस कंडीशन में पशु को दे रहे हैं प्लेजेंटा के लिए, ये प्रोडक्ट हर्बल ही देना है दोस्तों, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इनोलेशन होता है मेन, वो टाइमली होना चाहिए पशु का। अगर हम इस चीज को दे देते हैं कोई, यहाँ पे हम और दवाइयों का अगर अपना तरीका अपना लेते हैं तो पशु में कई बार जाके दिक्कत हो जाती है दोस्तों, जो आगे जाके भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में जेल नहीं निकलवानी चाहिए पशु की। उसका रीजन क्या होता है, अगर टेक्निकल बात करें दोस्तों हम थोड़ी सी, तो क्या होता है कि यूट्रस के अंदर छोटे छोटे क्रैंकल बने होते हैं दोस्तों, और उनसे कोटिलेडंस ऐसे जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं एक दूसरे से। जैसे हम शर्ट का बटन बंद करते हैं ना दोस्तों, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं वो। उनकी संख्या 70 से लेकर 120 तक होती है यूट्रस के अंदर। अगर हमने जल्दबाजी में जेल के साथ कोई झटका वगैरह मारा, या देखते हैं अभी जैसे आपको इसमें वीडियो है, ये इसमें दिखाई दे रहा है प्लेजेंटा लटकी हुई है, कई लोग क्या करते हैं दोस्तों इसमें नीचे रस्सी बांध देंगे या इसके पत्थर बांध के छोड़ देते हैं, या इसमें नीचे डंडी की सहायता से इसको गोल गोल घुमाएंगे। उस कंडीशन में क्या है दोस्तों, पीछे अंदर जोर लग रहा है, जोर लगने की वजह से अगर वो टूट गया वहां से तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत से पशु ब्याने के बाद खून बंद नहीं होता, वो कारण यही होता है दोस्तों कि जल्दबाजी में जेल के साथ कोई हमने जबरदस्ती की और वहां से कोई क्रैंकल या कोटिलेडंस टूट गया दोस्तों। तो ऐसा काम कोई भी नहीं करना मेरे भाई। अब मेन बात आती है कि हम अपने पशु को जेल भी पशु ने डाल दी, पशु ने अच्छे से अपना डिलीवरी का भी काम करवा लिया, अब उस पशु को खाने के लिए क्या दें। आपको बताऊं एक बीमारी आ जाती है पशुओं में मिल्क फीवर नाम से, जो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होती है दोस्तों। इसके अंदर हमें ऐसा प्रोडक्ट अपने पशु को खिलानी है, ऐसा चारा हमने अपने पशु को खिलाना है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी हो दोस्तों। तो ये साइड स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है और काल की पाउडर, ये आप दे सकते हैं अपने पशु को दोस्तों। ये क्या है कि दोस्तों रेड वाटर का जो केस होगा उसमें भी काम करेगा, और पशु मान लो कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से बैठ जाता है दूध निकालते, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है दोस्तों, उस कमी को भी नहीं आने देगा, तो पीक लेवल पे आपके पशु को दूध में भी लेके आएगा दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं यूट्यूब के जरिए, आपसे रूबरू होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों को बताएं, पशुपालक भाइयों को, कि ये छोटी छोटी वीडियो आपके लिए कामगार साबित होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गो माता, जय हिंद।